हेलो फ्रेंड्स, आज तक का सबसे आसान मोदक बनाने की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही झटपट और इजी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इन मोदक को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने आधा कप चीनी ली है, मीठा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। दो हरी इलायची ली है, इसको भी मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये बारीक पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। इसे एक बाउल में डाल देंगे। एक कप लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, इसे भी बाउल में डाल देंगे। आप चाहें तो सूखा वाला जो नारियल है उसको भी आप बारीक पीस कर मोदक बनाने में यूज कर सकते हो। अब एक चौथाई कप लेंगे मिल्क पाउडर, इसे भी बाउल में डाल देंगे। अब लेंगे हम दो बड़े चम्मच फ्रेश मलाई के। दूध में जो मोटी परत होती है बस उसी को हमें लेना है। आप चाहें मलाई की जगह दूध का भी यूज़ कर सकते हो। अब मलाई को हम थोड़ी थोड़ी डालकर इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। अगर इस मिक्सचर में थोड़ी सी मलाई कम लगे तो और बढ़ा सकते हो, या फिर इसमें दूध का भी यूज़ कर सकते हो। दूध से भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसी वजह से आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे हमें दो से तीन चम्मच मलाई के लग जाते हैं। हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ये मिक्सचर पतला हो जाएगा। तो ये देखिए, दो से ढाई चम्मच हमने मलाई की डाली है और ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम एक बाउल और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। इसमें डालेंगे हम दो चम्मच मिल्क पाउडर के और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर डालने से मोदक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और जो ये टूटी फ्रूटी है वो मिक्सचर के अंदर चिपकेगा नहीं। मोदक में टूटी फ्रूटी का जो स्टफिंग है वो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो एक बार आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इस मिक्सचर को और जो टूटी फ्रूटी है उसको हम साथ रख लेंगे और जो मोदक बनाने वाला मोल्ड है उसके अंदर हम घी लगा लेंगे और इस मिक्सचर को हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से चिपकाते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम बंद कर लेंगे और इसके अंदर मिक्सचर को भर देंगे। इसको अच्छे से हमें दबाते रहना है ताकि जो मोदक की डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो। अब इसमें आधा चम्मच टूटी फ्रूटी का डालेंगे और इसे दबाते रहेंगे। फिर इसके बाद थोड़े से मिक्सचर को हम ऊपर की ओर डाल देंगे और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो मिक्सचर है इसको हम निकाल लेंगे। अब मोल्ड को खोल लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये मोदक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ईजी तरीका है इसे बनाने का। अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। अब दूसरा भी मोदक हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें टूटी फ्रूटी की जगह ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। लेकिन जब बच्चों को टूटी फ्रूटी डालकर मोदक खिलाओगे तो उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। तो एक बार आप भी टूटी फ्रूटी वाले मोदक बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से दूसरा भी मोदक हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसे भी हम प्लेट में रख देंगे और इस तरीके से हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जैसे मार्केट में मोदक मिलते हैं डिज़ाइन वाले या डेकोरेट किए हुए, वैसे ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो मोदक के ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे ताकि ये दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखे। आप चाहें तो यहाँ पर केसर के धागे भी रख सकते हो, चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। जैसा आपको मोदक की डिज़ाइन बनानी हो वैसे आप बना सकते हो। तो इस तरीके से कलरफुल मोदक बहुत ही बढ़िया लगते हैं और दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब चाकू से इसे काटेंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से टूटी फ्रूटी हमारी सेट हो गई है। तो एक बार आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए।